हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए बनाते हैं आज ये स्वीट डिश जो हम बनाएंगे दूध और ब्रेड के साथ। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट इसकी रेसिपी। तो यहाँ पर ले लिए मैंने 3 से 4 ब्रेड। फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाती है। जब भी आपका खाने का मन करे मीठा और मीठा घर में कुछ ना हो, तो आप ये फटाफट बना खा सकते हैं दूध व ब्रेड का, क्योंकि ये दूध ब्रेड तो हर समय सबके घरों में रहते हैं। तो इस तरह से हमें एक ब्रेड के 4 पीस बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ब्रेड इस तरह से कट कर लिए हैं। और इधर मैंने रख दिया था एक कढ़ाई में दूध को बॉयल होने। ऐसे चलाते हुए हमें दूध को काफ़ी गाढ़ा कर लेना है। जब दूध उबलते उबलते आधा रह जाए, तब हमें इसमें शुगर ऐड करनी है। तो हमारा दूध आधा हो चुका है, तो हम यहाँ पर शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आप मीठा पसंद करते हो उस तरह से डालें, जैसे कम पसंद करते हो तो कम डालें। मुझे मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली थी। अब यहाँ पर मैंने डाल दिए पिस्ता। आप जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो हमें थोड़ी देर और इसे पकाना है, उसके बाद हम इसे गैस को ऑफ कर देंगे। तो दूध हमारा रेडी है, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। इधर मैंने ले ली एक कढ़ाई, इसमें ऑयल गर्म होने रख दिया था। और जो हमने ब्रेड कट करके रखे हैं उनको इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे हमें काफ़ी क्रंची से बनाने हैं, तो इसमें सिम गैस पे ऐसे सेंकना है। तो देखिए ब्रेड हमारे सिक के तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। तो देखिए अब हमारे ब्रेड भी सिक के रेडी हो गए हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसे सर्व। तो मैंने ब्रेड निकाल लिया एक बाउल में। अब इसके ऊपर हमने जो दूध तैयार कर कर रखा है उसे डाल दिया। देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है अब हमारा दूध, थोड़ा सा हवा लगने के बाद और गाढ़ा हो जाता है, तो एकदम ये रबड़ी की तरह हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहा हो तो आप ये दूध पहले से तैयार करके रख सकते हैं, और ब्रेड आप तुरंत तुरंत सेक के उसे गर्म गर्म सर्व करें। इसे गर्म गर्म ही सर्व करें, नहीं तो हमारे ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, ये क्रंची से नहीं लगेंगे। तो देखिए देखने में बहुत ही लाजवाब सी लग रही है और खाने में भी उतनी टेस्टी है।